घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होगी। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। भले पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए, हालात मुश्किल हो जाए और चीख चीख कर तुमसे कहे कि तुम क्या कोरोना के कारण वीर सालार तक को भी लेने पड़ेंगे अपने कदम पीछे, क्या बाकी फिल्मों की तरह प्रशांत की ये फिल्म भी हो जाएगी पोस्टपोन। स्वागत है आपका बॉलग्राड स्टूडियोज में। केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील ने 2019 में उनकी केजीएफ की सक्सेस के बाद पिछले साल ही उनकी अपकमिंग फिल्म सालार की अनाउंसमेंट की थी। अपनी लास्ट फिल्म से ही उन्होंने वो नाम बना लिया था कि उनकी इस अपकमिंग फिल्म का हिट होना लगभग तय ही था, लेकिन सिर्फ अपने नाम की अश्योरेंस शायद प्रशांत के लिए काफी नहीं थी और उन्होंने फिल्म के साथ एक और पी को जोड़ दिया, पी फॉर प्रभास, या फिर कह सकते हैं हम सबके प्यारे बाहुबली। जॉनर भी वो जिसमें डायरेक्टर और एक्टर दोनों को ही महारत हासिल है, एक्शन थ्रिलर गैंगस्टर ड्रामा, प्रोडक्शन हाउस भी वेल एस्टैब्लिश्ड होमबले फिल्म्स। जाहिर है अगर फिल्म के साथ इतने बड़े बड़े नाम जुड़ेंगे तो एक्साइटमेंट तो बढ़ेगी ही, लेकिन क्या इस पूरी एक्साइटमेंट पर पानी फिरने वाला है? क्यों, जानने के लिए हमारे वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जैसा कि आप जानते हैं पिछले साल ही इस अपकमिंग मैग्नम ओपस की रिलीज डेट अप्रैल 2022 तय कर दी गई थी। उस समय ही ये इंतजार काफी लंबा और ये समय काफी दूर लग रहा था, पर फैंस ने फिल्म की अपडेट्स के सहारे ये इंतजार का समय काटने का फैसला किया। लेकिन तभी दुनिया के रियल लाइफ विलन कोरोना की पुनर्वापसी हो गई, जिसने आम जिंदगियों को तो बर्बाद किया ही लेकिन साथ ही में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी नहीं छोड़ा। एक के बाद एक इस साल रिलीज होने वाली सभी फिल्मों की रिलीज डेट्स टलती चली गई। कुछ ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने का फैसला किया और कई ने प्रोडक्शन फिल्मों की शूटिंग रुक गई। ऐसे में फैंस का सबसे बड़ा सवाल था कि क्या सालार भी टल जाएगी। अब क्या अगले साल अप्रैल की जगह दिसंबर में या फिर सीधे 2023 में रिलीज होगी? तो आपके इसी सवाल का जवाब हम आज लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं। भले ही इंडस्ट्री में वो नए हैं, लेकिन इस पर अपनी पकड़ बनाने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा, इसी बात से उनकी काबिलियत को समझा जा सकता है। शायद पिछले साल की अनसर्टेन कंडीशंस के बाद उन्होंने पहले ही तूफान के पहले की उस शांति को भाप लिया और जल्द से जल्द फिल्म का पहला शूटिंग शेड्यूल भी खत्म कर लिया, इसलिए अब फिल्म पर ज्यादा काम बाकी नहीं है और लॉकडाउन खुलते ही अगर प्रोडक्शन ने यही स्पीड बरकरार रखी तो फिल्म अपने निश्चित समय पर बनकर तैयार हो जाएगी और इसकी रिलीज डेट में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अब मेकर्स ने तो अपने हिस्से की पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन अगर लॉकडाउन के कारण हॉल्स बंद करने पड़ जाते हैं तो फिर से डेट्स को टालना ही पड़ेगा। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या फिल्म अपनी कंफर्म डेट पर रिलीज हो पाएगी? और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और फिल्मी दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।